गुड मॉर्निंग गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं एंड वी आर इन पांग राइट नाउ। हमने मुंह भी नहीं धोया, हम टॉवल लेके आए थे कि मुंह धोलेंगे। वो भैया बोलते पहले चाय पी लो, चाय ठंडी हो जाएगी। गाइस डोंट जज अस, हमारे वाले जो होटल वाले हैं वो उठे ही नहीं है, उन्होंने हमारे को कुछ प्रोवाइड नहीं करा। हमने अपनी बाइक लोड करी, खुद ही फ्रेशन अप हुए एंड इट्स टाइम फॉर अस टू लीव नाउ। हम अपने बगल वाले होटल पे आकर चाय पानी मांग रहे हैं, तो उन्होंने हमारे को चाय पानी प्रोवाइड करा। ठंड तो है, ठंड तो होती है दोस्तों, सुबह सुबह है, मूरे प्लेन्स का रीजन सारा ओपन होता है, तो वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा तेज पड़ जाती है। यार ये रॉनेस मुझे अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। नींद दोस्तों कल ज़बरदस्त आई, रोड साइड बंकर पे ना, ज़बरदस्त। इट वॉज वेरी नाइस एंड द टी इज ऑल्सो वेरी नाइस। इतना वो आई ना कि मेरे हाथ से भी चाय से डुल जाती है। सो आज पांग से मनाली का टोटल डिस्टेंस है। अरे एक मिनट, अच्छा एक मैं बता देती बात कि जैसे हमने वो बंकर बेड लिया था ना, लेकिन हमने बंकर बेड लिया पर कोई आया नहीं, तो हमारी बंकर बेड वाली फीलिंग भी होगी और हमारा प्राइवेट इतना बड़ा रूम भी हो गया। इतना बड़ा प्राइवेट रूम विद एटलीस्ट 20 बेड्स। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो डिस्टेंस है वो है 250 किलोमीटर और हर एडवेंचर 70 किलोमीटर के स्ट्रेच पर है। फर्स्ट एडवेंचर लाचा लुंगला और नकीला आएंगे और घटालूप से आएंगे 70 किलोमीटर के बीच में, तो हम पांग से सरचू पहुंच जाएंगे 70-75 का। फिर सरचू से दारचा 70 है, जिसकी वजह 12 लाख चला पड़ेगा। फिर दारचा से मनाली भी उतना ही पड़ता है ऑलमोस्ट, जिसमें अटल टनल पहले रोहतांगला पड़ता था, अब अटल टनल पड़ता है। अब सही है, हमें रोहतांगला नहीं चढ़ना पड़ता भाई। रोहतांगला का स्लैश जो होता है ना, दिन के 12 बजे भी मिलेगा आपको, रात के 1 बजे भी मिलेगा आपको। रोहतांगला हटा दिया ना, बहुत अच्छा हो गया। और ये हटाने वाली बात इसलिए नहीं बोली कि मैं रोहतांगला से डरता हूँ, बट रोहतांगला की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाइट ज़्यादा नहीं है, बट इट हैज़ द हाईएस्ट फर्टालिटी रेट। मैं हर बार बोलता हूँ रोहतांग का मतलब द पास ऑफ द डेड, रोहतांग दरा ला, ऑलवेज रिस्पेक्ट रोहतांगला। सुबह सुबह डरा रहे हैं हम आपको, समझ आई? रोहतांगला को पीस ऑफ केक मत लिया करो कि वो नीचे सोलांग वैली से वो स्नो वाले कपड़े पहन के ऊपर फोटो खिंचा ली तो हो गया एडवेंचर। अरे परली साइड उतरो तो पता लगे तुम्हें। सिर्फ ट्रक वाले अभी जाग रहे हैं, सब अपने ट्रक गर्म कर रहे हैं और कोई भी नहीं जागा। आज हमें उठ के इतना मजा आ रहा है। हम भी ट्रक वाले हैं दोस्तों, हमारा भी ट्रक लोडेड है। कल का डिस्टेंस तो दोस्तों ट्रक वालों की तरह ही चलाई है मैंने, सच में यार। ऐसे क्या खाते हैं वो, तू बोलती है अमल, अमल या हमल? अमल, हमस, अमल, अमल खाते हैं। कल मैंने भी अमल खाया था दोस्तों, हांडले से अमल खाया था 2 बजे। मेरे पापा बोलते हैं ट्रक ड्राइवर अगर अमल खा लेता तो ऐसे सीधी रोड पर गाड़ी चलती है उनकी, उनका फोकस बन जाता है। पहले के लोगों की कहानी है, मुझे ऐसा क्यों लगता है? पहले के लोग ऐसे कुछ भी बोलते थे, हम भी तो इतनी चला लेते, हम भी थोड़ी ना अमल खाते थे। मेरे पापा भी बोलते, मेरी मम्मी बोलते ट्रक वाले ऐसे चलाते। क्या किसने बोला है भाई, हम भी तो चलाते हैं इतना डिस्टेंस, उनको हैबिट नहीं हो जाएगी, वो भी बेचारे रुक जाते शाम तक जाते हैं, इनको लगता। पर ट्रक वाले ना हमेशा सही चलाते हैं, पर कल रात को ओए होए ट्रक वाले ने जो हमारी पीछे टेल लाइट पे बाड़ी हुई थी अपनी गाड़ी, वज्जी जांदा पियो विच, आप दे पियो नहीं, वज्जी जांदा थी आप दे पियो विच। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई मेरे से, मेरी किससे लड़ाई होगी ना, तो मैं की करता वज्जी जांदा अपने पियो विच। चलते हैं दोस्तों, आज नेटवर्क में आ जाए, थोड़ा फोन इंटरनेट मैं भी यूज कर लूं, मेरे को भी कुछ यूट्यूब वीडियो देखने का मन कर रहा है अपनी। हमने दोपहर में कल अपनी मम्मियों को कॉल करके बताया था कि हम यहाँ पहुँच गए और अभी नेटवर्क जस्ट आया है। दो दिन से मम्मी से बात नहीं है, अच्छे से नहीं है। मैंने तो अपनी मम्मी को दोपहर में करा नहीं था क्योंकि मेरी मम्मी का 1 बजे से 5 बजे तक का सोने का टाइम होता है, तो उस टाइम पे कोई 2 बजे से 5 बजे का तो उनको कोई फोन नहीं करता उस टाइम पे, और वो फोन भी साइलेंट पे करके सोते हैं, कहते मुझे नहीं उठना होता। तो फिर मेरा एडवेंचर टाइम था, मैं एडवेंचर से एक सेफ जोन में आया था, बट मैंने फिर भी फोन नहीं किया था क्योंकि स्लीप टाइम चल रहा था, मैंने भाई को फोन करके बता दिया था। मतलब उनका इतना स्लीप टाइम, उनका इतना फेमस है कि सबको पता है कि उनको डिस्टर्ब। हमारे कोई रिश्तेदार भी फोन नहीं करते 2 से 5 के बीच में। मैं अपनी मम्मी का यूट्यूब चैनल डालूंगा तो 2 से 5 वाली वीडियो तो कभी भी नहीं आएगी। चलो दोस्तों निकल, सुबह सुबह बच्चे होती कहते ना, अच्छा लग रहा है। पर ना मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम 2 दिन से सुबह जल्दी उठ रहे हैं ना, मतलब कि एक्सट्रीम जल्दी जल्दी, तो रोज ही हम उठ रहे हैं एक्सट्रीम जल्दी, जैसे लाइक 4:30, 5 o'clock, 5 बजे, विच इज लाइक 5:30 से पहले जो उठ रहे हैं ना, ओल्ड एज वाला जल्दी, ओल्ड एज वाला जल्दी। पहले पहले उठते ना 5, सूरज से पहले उठो, मुर्गे बनो तो फिर आपको बहुत ज्यादा विटामिन मिलेगा। मेरी मम्मी ना दोपहर में जाकर कहती है धूप में खाने जा रही हूँ, उससे विटामिन नहीं मिलता मम्मी, इस वाली धूप से मिलता है। चलो गाइस मैं निकलता हूँ, कोमल को छोड़ के जा रहा हूँ, मार पड़ेगी। दिस इज पांग राइट नाउ, फर्स्ट सनलाइट आ गई है, हमें उस तरफ जाना है, वहां से आएगा लाचा लुंगला और नकीला पास। ब्लैकबर्ड इज ऑलमोस्ट रेडी, जेरीज अब एम्प्टी हैं, बाइक में ऑलमोस्ट फुल टैंक है, तो मैंने
फिर जेरीज नहीं भरवाए, यहाँ पर 170 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो 5 लीटर्स वुड बी इनफ। मेरा ऑलमोस्ट 3-4 टैंक भरा हुआ है, तो 300 प्लस तो आराम से निकालेगी बाइक। 250 में तो मनाली आ जाएगा और तांडी में पेट्रोल पम्प मिल जाता है किलोंग, यहाँ से 150-160 के आसपास रहेगा किलोंग, और वहीं उसके आसपास तांडी भी है, वहाँ पर रिफ्यूलिंग हम प्रॉपरली करा लेंगे एक्चुअल रेट्स पे। कल हमने यहाँ पे 5 लीटर के 800 रुपये दिए, थोड़ा 10 रुपये का डिस्काउंट था मिला हमारे को, जो थोड़ा हानले से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पांग में मिला। हानले में 150 रेट था, तो वो भी मेरे को ज़्यादा लग रहा था, बट इट्स ऑल राइट। यहाँ पर क्योंकि दूर लेकर आते हैं लोग, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली ओपन रेट है, कोई गारंटी नहीं होती, कुछ भी मांग सकते हैं लोग। अभी वेदर अच्छा है, कोई कह रहा था कि रास्ते में वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह आएंगी, बट हमारा देखा हुआ रास्ता है। लच्छा लुंगला का असेंट भी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, नकीला के बाद का जो डिसेंट होता है विस्की नाला का, वहाँ पर आपको एक बार के लिए थोड़ा हाइट का फ़र्क पता लगता है, उसके बाद भी कुछ इतना कोई मेजर नहीं है। बारालचला में आपको एक काला नाला बोलते हैं शायद, वहाँ कुछ अगर पड़ेगा पंगा तो पड़ेगा, और एक जिंग जिंग बार तो हमेशा ही रहता है, वो भी कोई इतने डेवास्टेटिंग वाटर क्रॉसिंग नहीं है। आपने अगर सीरीज़ देखी है तो यू नो अभी हम कैसे कैसे वाटर क्रॉसिंग से आए हैं, तो आई थिंक वी कैन हैंडल दोज काइंड ऑफ वाटर क्रॉसिंग्स, सो लेट्स गो। अभी कमल भी आ गई है, पांग में अच्छा लगा दोस्तों, हमारा स्टे बहुत अच्छा था। हम फिर से 2019 वाले सेम होटल में रुके, वेलकम टू पी लुंडुप होटल, द फैमिली इज़ फ्रॉम ले एंड शी इज़ फ्रॉम काठमांडू। अभी हम प्रॉपर पहाड़ी दिख रहे हैं, हमारे गाल लाल हो चुके हैं, उन लोगों के होंठ नॉर्मल हो जाते हैं, हमारे थोड़े इनिशियली काले होते हैं ना, हम याक की तरह अभी स्किन इस पे चढ़ाते हैं, फिर जब नीचे जाते हैं तो फिर इसको शेड करते हैं। तो हम निकल रहे हैं पांग से टूवर्ड्स मनाली, विच इज 250 किलोमीटर्स। ऑल द बेस्ट, आर यू रेडी? आई एम रेडी। कल हमने दोस्तों हानले से यहाँ तक 210 किलोमीटर कवर करे, और ले से अभी तक हम यहाँ तक 730 किलोमीटर्स कवर कर चुके, तो हमने ट्रिप ए को ज़ीरो कर देते हैं। अब देखते हैं आज हमारे को कितना डिस्टेंस कवर करना है। सरचू तक का थोड़ा पंगा बता रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं मस्त है, और चलो लेट्स गो। अब अच्छा वेदर निकल गया, सन निकल गया, हमने अपनी लेयर्स उतारी नहीं है, थोड़ा सा हम भी वेदर से क्लाइमेटाइज कर लेंगे। बैठ कोमल, यार एक बाइकर हमसे पहले निकल गया, शिट मैन, सबसे जल्दी उठने के बावजूद भी मेरे से आगे कोई निकल जाता, मुझे इस आलसी को उठा के लेके जाना पड़ता है ना। चलो दोस्तों, ओके भैया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पी लुंडुप होटल इज वेयर वी स्टेड फॉर द सेकंड टाइम, यू गाइस कैन विजिट दिस प्लेस एज वेल। सो 9:30 तक का सरचू का अराइवल दिखा रहा है, डिस्टेंस हमने आपको सारा बता दिया है, सरचू यहाँ से 76 बता रहा है, तो हम अपने गार्ड से प्रे करेंगे कि वो हमारा और हमारी बाइक का ध्यान रखें, ताकि हम सेफली एंड साउंडली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं और आप लोगों के लिए कुछ ज़बरदस्त सा कंटेंट क्यूरेट करें, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हो। राइट नाउ वी आर एट 15,280 फीट, विच इज़ ऑलरेडी वेरी हाई, कुंजुमला से ज़्यादा ऊँचा हो गया, इतनी ये नॉर्मल प्लेन्स भी, तो हमारे को इतना ज़्यादा ग्रेजुअल असेंड नहीं करना पड़ेगा लाछा लूंगला और नकीला के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि नकीला का डिसेंट थोड़ा सा आपको फील होता है, क्योंकि एक साइड पूरा खाली आ जाता है और फिर एक रिज आता है और फिर अदर साइड की पहाड़ी दिखती है आपको, और बीच में पड़ता है विस्की नाला, वो उधर विस्की नहीं बहती, वहाँ पर सिर्फ एक रेस्टोरेंट है, एक दो रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप बैठ के अपना चाय पानी कर सकते हो। आई डोंट नो वाई पीपल आर सेइंग कि आगे रोड ख़राब हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो एक नंबर का ब्लैक टॉप था, अब पता नहीं क्या करते हैं लोग, कि उसको तोड़ क्यों देते हैं, उसको स्नो ख़राब जो करती है उसको रिपेयर थोड़ा सा भी नहीं करते, क्योंकि ये रोड का कंडीशन हम लास्ट टाइम आए थे तो बहुत ही ज़्यादा क्रीम था। हम सुबह मुरेरी से निकल कर शाम तक आराम से सरचू पहुँच गए थे विदाउट एनी प्रॉब्लम। हमारे को इस वाले स्ट्रेच पर प्रॉब्लम हुई थी, जो अभी जिस पे हम चल रहे हैं, जो आपको ब्लैक टॉप दिख रहा है, तब ये बन रहा था, तब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो आज दोस्तों हम लद्दाख को एग्जिट कर जाएंगे और हिमाचल प्रदेश में एंटर कर जाएंगे, क्योंकि सरचू बॉर्डर पड़ता है लद्दाख और हिमाचल का, और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है। सरचू पांग में ज़बरदस्त ठंड पड़ती है, बट कल की नाइट हमारी बहुत कोजी थी, मे बी बिकॉज हम बहुत ज़्यादा ही थके हुए थे, तो हमारे को बहुत अच्छी नींद आ गई, मेरे को तो आ गई, मैं वेल रेस्टेड हूँ, बट अपेरेंटली मेरा शोल्डर नहीं है, मेरे शोल्डर को एटलीस्ट 2-3 दिन चाहिए होंगे बिना ऐसे उठाए हुए। और आँखें दोस्तों मेरी सीरियसली ऐसे लग रही हैं, पूरा
6-7 घंटे का रेस्ट लेने के बाद भी ऑल पूरी रेड है, बट ऐसा बहुत अच्छे से लग रहा है कि आई एम श्योर आई एम ऑन सम ड्रग्स, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, हमको इनका नशा है, ये करते हैं हम। वाओ, प्रिटी प्रिटी रोड्स। आई थिंक वी शुड गिव द गवर्नमेंट एटलीस्ट 10 ईयर्स और उसके बाद हमारा लद्दाख सर्किट ना स्विस एल्प वाले सर्किट्स की तरह हो जाएगा, एकदम क्रीम रोड, जहाँ देखो ग्रिफ काम कर रहा है, जहाँ देखो। देखो दोस्तों, तुम्हें सस्ता कोंगो रोंगजन दिखाऊँ, फर्स्ट कॉपी कोंगो रोंगजन, वो देखो वो वैली, इसको समझ लो आप शिंखुला पास। अभी जस्ट ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, इसके बीच में देखना, ये है यहाँ का फर्स्ट कॉपी कोंगो रोंगजन। आप कभी आना, ये वो भाई नाइस है। सो दोस्तों देख लो, दिस माउंटेन रिजेंबल्स अ लॉट लाइक कोंगो रोंगजन, बीच में खड़ा है और पीछे इसके बर्फ के पहाड़ भी है, तो उसको शिंखुला मान लेते हैं, बट एक्चुअली वो लाचा लुंगला है। चलते हैं आज मस्त अपना मनाली पहुँचते हैं। अगर आज हम टाइम से पहुँच गए ना दोस्तों, तो मैंने एक और एडवेंचर का सोचा है जो मैं करूँगा मनाली में आज, कि मैं नहा धो के कपड़े पहनकर आइसक्रीम या कुछ केक वगैरह खाने जाऊँगा। अब मेरे को ये एडवेंचर चाहिए, अब मुझे अपने पेट का थोड़ा सा एडवेंचर करना है। और अच्छा पता क्यों लगता है दोस्तों सुबह जल्दी निकल के, कि आप ट्रक वालों के साथ निकले हो, क्योंकि ट्रक वाले एक्चुअल ट्रैवलर्स होते हैं रोड के। लाचुंगला लच्छा लुंगला 16,616 feet, लेट्स गो। विस्किनाला
नकीला टॉप 15547 आ गया घाटा लूप्स, इसको कई लोग घाटा लूप्स भी बोलते हैं, बट इसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग GATA है, घाटा लूप्स बोलते हैं। और ट्रक ड्राइवर्स को थोड़ा सा, क्योंकि रोड पतला है तो दिक्कत ज़्यादा होती है घाटा लूप्स पे। और दोस्तों इसकी एक स्टोरी है कि अभी आप नीचे उतरोगे ना तो आपको काफ़ी सारी बॉटल्स मिलेंगी एक लूप के पास, और एक टेम्पल बना होगा। मतलब ये एक मिथ भी है, कई लोग इसको रियल मानते हैं और कई लोग इस जगह को हॉन्टेड बोलते हैं। तो स्टोरी ये है दोस्तों कि ये ले मनाली हाईवे और यहाँ पर हमेशा ट्रक्स चलते ही रहते हैं। सो किसी ज़माने की बात है कि यहाँ पर से एक ट्रक ड्राइवर और उसका हेल्पर जा रहे थे, और यहाँ पर स्नो स्टॉर्म आ गया और बैक साइड पर रोहतांग पास बंद हो गया था जो बारालाचला के पीछे पड़ता है, और ट्रक ड्राइवर्स इस पे चढ़ गए थे। तब इतना अच्छा रोड नहीं बना हुआ था, तब इमेजिन करो आपकी इस पे बिना टारमैक के इतने सारे लूप चढ़ना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता होगा, स्पेशली फॉर ट्रक्स। तो उसी रिगार्डिंग ट्रक का फिर ब्रेकडाउन हो गया और फिर ट्रक स्ट्रैंडेड हो गया घाटा लूप्स पे। और क्योंकि इस रोड पर ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, ट्रैफिक बहुत कम था, तो ट्रक ड्राइवर ने डिसाइड किया कि वो जाके हेल्प लेकर आएगा, क्योंकि ट्रक को वो छोड़कर अकेले नहीं जा सकते थे क्योंकि ट्रक लोडेड था। तो हेल्पर पीछे रुक गया और जो ट्रक ड्राइवर था वो आगे के किसी गाँव में हेल्प मांगने चला गया। और क्योंकि यहाँ पर तूफान आ रहा था, बर्फ़ थी, तो वो ट्रक ड्राइवर जल्दी रिटर्न नहीं कर पाया, तो जो हेल्पर था वो इन्हीं लूप्स पर सर्दी में बिना पानी के, बिना फूड के उसने कई दिन गुजारे और फिर आखिरी में उसने दम तोड़ दिया। तो यहाँ पर ये स्टोरी है कि एक ट्रक ड्राइवर नहीं मरा था, लोग कई लोग ट्रक ड्राइवर बताते, बट उसका हेल्पर मरा था। और फिर यहाँ की जो ट्रैवलिंग कम्युनिटी है, कई लोग कहते हैं कि ये स्टोरी मैनमेड है, बनाई गई है, और फिर ड्राइवर्स कहते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर किसी आदमी को देखा है पानी मांगते हुए, और अगर वो पानी की बोतल उसको पकड़ाते तो वो उसके हाथों के थ्रू सीधा नीचे गिर जाती है। लोग कहते हैं कि अगर आप उसकी हेल्प करने से मना कर दोगे तो आपको माउंटेन सिकनेस हो सकती है और कई लोगों की जान भी चली जाती है। देखो दोस्तों, मिथ्स और लेजेंड का यही काम होता है कि सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पर होता है, तो आप बिलीव करो या ना करो, बट हाँ, आप इधर आए हो, ये हाई अल्टीट्यूड है तो आपको इसको ध्यान से देख कर चलाना होगा। तो इसीलिए लोग घाटा लूप्स को हॉन्टेड बोलते हैं कि यहाँ पर एक आदमी दिखता है जो उनसे पानी मांगता है। तो इसी के रिगार्डिंग फिर जो ट्रैवलिंग कम्युनिटी थी, उन्होंने यहाँ पर एक श्राइन बिल्ड करी और फिर वहाँ पर सब लोग बॉटल्स चढ़ाते हैं पानी की, कि उस भूत की प्यास मिट जाए। तो फिर अब इसको बाइकर्स एक माइलस्टोन मानते हैं कि घाटा लूप्स पर एक बॉटल चढ़ा दो आप अपनी पानी की, तो आपका लद्दाख का ट्रिप बहुत अच्छा जाएगा। और जैसे कि मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, तो श्राइन वो आ गई, आप देख पा रहे हो जस्ट मेरे सामने इतनी सारी बॉटल्स हैं और सब में पानी है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ घाटा लूप्स। आप इसको बिलीव करो या ना करो, बट घाटा लूप्स पर आप बाइक ध्यान से चलाओ, धीरे चलाओ, क्योंकि बहुत सारे टर्न्स हैं और हाइट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। धीरे धीरे उतरो, जल्दी मत करो, शॉर्टकट्स दे रखे हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें फिर बाइक बॉक भी कर सकती है। कार वालों को मैं नहीं बोलूँगा, 4x4 वाले तो जा सकते हैं, बट हाँ, बाइक वाले थोड़ा ध्यान से जाएँ। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ घाटा लूप्स, मानो या ना मानो। अब बस यहाँ से नीचे उतर के हम सरचू पहुँच जाएंगे और वहाँ पर हम करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया है और 9:30 तक हमें पहुंचना चाहिए था, बट हमें थोड़ा शॉर्ट्स लेने में टाइम लगता ही है दोस्तों। इतना जल्दी तो रणधीर प्रताप सिंह एंड कोमल सिंह सीरा कभी कहीं नहीं पहुंचे, पर हम अपनी डेस्टिनेशन पर ज़रूर टाइम से पहुंचते हैं, क्योंकि हम जल्दी नहीं दौड़ाते, क्योंकि जल्दी का काम। यस दोस्तों, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप उधर वो रिवर देख रहे हो, आप जो वो रिवर देख रहे हो ना,
इस रिवर का नाम है सारप रिवर। और सारप रिवर कौन सी, क्या हम इस रिवर से पहले मिले हैं? हाँ जी दोस्तों, हम इस रिवर से मिले हैं। ये रिवर आपको शिंकुला पास तक लेकर जाती है और फिर उसके बाद कारगया चू आ जाती है। तो ये यहाँ से पूरा सरचू होते हुए, बारलछला होते हुए आपको शिंकुला पास तक पूरा सारप रिवर ही चलती है आपके साथ। और जो बैक साइड की वैली है वो वही जांसकर से ही आ रही है, कोई रोड नहीं जाती उस तरफ। मे बी लोकल ट्रेल्स जाती होंगी, यू नेवर नो, बट वो रिवर जांसकर का ही सर्किट करती है। तो ये नीचे आपको टच कर देगी सरचू के, जो पैरेलल चलती है वो सारप रिवर ही है। We have reached Sarchu and it's 10:30 in the morning. 2.5 hours में हमने कर लिया। हमने काफी अच्छा distance, काफी अच्छे time में कर लिया। और मेरे को पता नहीं यार, वो लोग वहाँ पे पांग में कौन बोल रहा था कि भाई यहाँ तक road खराब है और कौन सी water crossing है। मैंने इसके लिए specially boot covers पहने थे। एक बार भी पानी नहीं आया और एक बार भी road खराब नहीं था। मैं आपको बताती हूँ actual में बात क्या है। हम आ रहे हैं लद्दाख करके जांसकर वाली साइड से, तो हमें रोड लग रही है बहुत अच्छी, जो ऑफ रोड है वो भी अच्छी लग रही है, ठीक है, उस पे भी बाइक चल रहा है। वहाँ से लोग आ रहे हैं दिल्ली मनाली वो पूरे हाईवे नापते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको लग रहा है यार रोड खराब है। तो जब भी वहाँ से आने वाले लोगों से पूछेंगे ना, तुम वो कहेंगे रोड यार सर इतनी खराब रोड है। अभी आगे जाके उनको सब याद आएगा। पांग में क्योंकि जिस हम रूम में रुके थे वो उठते नहीं थे जल्दी, तो हम निकल गए वो तब तक सो ही रहे थे। तो फिर हमने कहा आसपास वाले सारे उठ गए थे, तो हमने उनसे चाय वाय पी ली थी, लेकिन हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए सरचू में हमने सोचा था कि अब सरचू में ही ब्रेकफास्ट होगा। इसके बाद फिर एक और हमारा जो चैलेंज रहेगा वो रहेगा बारलछला। आफ्टर दैट इट्स गोइंग टू बी इजी एंड वी विल इजीली रीच मनाली, इजी पीजी। और फिर हम नहा पाएंगे फाइनली, दो दिन से नहाए नहीं। दो दिन कहाँ, आज कल ही तो नहीं नहाए सिर्फ, मेरे को लग रहा है दो दिन। एक दिन भी नहीं नहाओ और इतना ट्रैवल करो फिर मिट्टी पड़ती है, तो ऐसा लगता है दो तीन दिन हो गए बिना नहाए।
तो गाइस हमारा डिनर हो गया और अभी डिनर हो गया सॉरी लंच हो गया ब्रेकफास्ट हो गया और अभी 10:30 हो चुके हैं हम 1:30 या ऑलमोस्ट 2 के अराउंड क्योंकि हम बारह छला पे भी रुकेंगे तो हम दारचा पहुंच जाएंगे एंड वंस यू रीच दारचा समझो आप मनाली वगैरह पहुंच जाओगे क्योंकि वहां से रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी 10:30 हो रहा है। अभी 10:30 हो रहे हैं और हमारे पास जो एक और जो हमें क्रॉस करना है वो है बारह लाचला। तो बारह लाचला हम पहले चलते हैं, वो क्रॉस होने के बाद कुछ हम इजी हो पाएंगे। चलो चलते हैं, सीधा निकलते हैं। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट किया हमने, दो पराठे खाए रणधीर ने, एक मैगी खाई मैंने, एक पराठा खाया एक पराठा रणधीर ने खाया, आधा मैंने खाया, थोड़ी सी मैगी खाई, थोड़े कुरकुरे खाए, बस ज़्यादा नहीं खा पाए, एक दो चाय पी थी और एक कॉफ़ी, बस इससे ज़्यादा खा ही नहीं पाए। दो पराठे, मैगी, चाय, कॉफ़ी, बस इतना ही मैडम जी।